रूस प्रशासन यूक्रेन में किए गए अपने वॉर क्राइम यानी कि युद्ध अपराधों को छुपाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि मार्च में मारियूपोल थिएटर पर हवाई हमला कर रूस ने 600 लोगों की जान ली थी। अब उसकी जांच से बचने के लिए उसे बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है ताकि उसका कोई सबूत ना बचे। और कई रूसी और यूक्रेनी वेबसाइट ने मारियूपोल थिएटर तोड़े जाने के वीडियो रिलीज किए हैं और इसमें भारी भरकम मशीनों के साथ वहां पर रूसी प्रशासन थिएटर को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के कल्चर मिनिस्टर एलेक्जेंडर कचेंको ने फेसबुक पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बुलडोजर चलते हुए फोटो शेयर की और लिखा कि मारियूपोल थिएटर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है।